फरीदाबाद में प्रवासी सम्मेलन का आयोजन, तो पूरी डिटेल आपके साथ साझा कर देते हैं। दरअसल इस सम्मेलन में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी शामिल होंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। तो जहां पर एक तरफ चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, आदर्श आचार संहिता लग चुकी है, लागू हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ अब जहां पर बैठक कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों के साथ संवाद भी कायम किया जा रहा है। तो इसी कड़ी में फरीदाबाद में प्रवासी सम्मेलन का आयोजन कांग्रेस की तरफ से किया गया है, जिसमें पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा संबोधित करेंगे और इस दौरान हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद रहेंगे। हालांकि ये भी एक सच्चाई है कि कांग्रेस के सामने अभी चुनौतियां कम नहीं है। तो 5 लोकसभा सीटें भले ही कांग्रेस ने जीत ली हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि विधानसभा में रहा आसान है। और यही वजह है कि एक के बाद एक कई सम्मेलन और कई जनसंवाद के कार्यक्रम कांग्रेस की तरफ से भी किए जा रहे हैं। सीधा रुख करेंगे, संवाददाता मुकेश राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश राजपूत, कितने बजे ये कार्यक्रम शुरू होना है और कांग्रेस की रणनीति तो अब साफ तौर पर यह दिखाई दे रही है कि जितना हो सके लोगों के बीच जाओ, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करो और उनके मुद्दे की बात उठाओ। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरीके से लोक विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है, तब से ही कांग्रेस के तमाम जो आला अधिकारी हैं, आला जो नेता हैं, उन्होंने कमर कस ली है और इसी को लेकर आज फरीदाबाद में जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका कार्यक्रम रखा गया है। तमाम जो प्रवासी लोग हैं उनको संबोधित करने पहुंच रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं हरियाणा में 5-5 सीटों पर जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव जीती, तो उसके बाद अब कांग्रेस को ये उम्मीद है कि आने वाले हरियाणा के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत सकती है। तो इसी को लेकर के अपना कोई भी दाव पेच वो उल्टा नहीं चलना चाहते, कोई भी दाव पेच अपना खाली नहीं छोड़ना चाहते। इसी को लेकर आज अगर हरियाणा की बात करें तो कई कार्यक्रम जो है वो कहीं ना कहीं रखे गए हैं तमाम कांग्रेसी नेताओं के। तो ऐसे में हर मौके का फायदा जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तरीके से उठाएगी और अपने तमाम जितने भी नेता हैं वो अलग अलग स्थानों पर जाकर के लोगों से जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर बातचीत करेंगे। और इसी को लेकर आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या प्रदेश अध्यक्ष उदयवान हो, वो एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में प्रवासी जो सम्मेलन है उसमें शिरकत करेंगे और तमाम लोगों को संबोधित करेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने कार्यकर्ताओं की कमर कसने का काम जो है वो कहीं ना कहीं करने वाले हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से जो है वो बहुत कुछ कांग्रेस ने सीखा है। तो ऐसे में जो है जाहिर है कि कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में भी वो अपनी कमर को पूरी तरीके से कसकर हरियाणा के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं सरकार बनाने का काम करने वाले हैं। जी मुकेश, जरूर आप ये भी जानकारी साझा करें कि फरीदाबाद लोकसभा सीट में अगर लोकसभा सीट के हिसाब से देखें तो कितना महत्वपूर्ण उस समय का चुनाव हो गया था कांग्रेस के लिए, और विधानसभा के लिहाज से देखें तो कितनी सीटों पर आगे थी, कितनी सीटों पर कांग्रेस पीछे थी। देखिए, बिल्कुल अगर यह बात करें हम फरीदाबाद की, तो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके की जो है वो परफॉर्मेंस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की रही, क्योंकि अगर हम बात करें तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जीतोड़ मेहनत की थी और महज कुछ ही वोटों से जो है, यानी कि 1,70,000 वोटों से ही जो है वो उम्मीदवार जीत पाए थे। परंतु इस बीच अगर बात करें, क्योंकि सतला विधानसभा क्षेत्र 6 विधानसभा में एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र थी जहां से कृष्णपाल गुर्जर को जो है वो हार का मुंह देखना पड़ा था, तो ऐसे में ये जाहिर सी बात है कि इस बार विधानसभा चुनाव में जो कमियां लोकसभा के दौरान रही थी, तो उन कमियों को सुधारने की कोशिश इस बार की जाएगी। और बहुत महत्वपूर्ण ये है, क्योंकि फरीदाबाद अगर लोकसभा की बात करें तो इसमें फरीदाबाद जिले के अंदर 6 विधानसभा है और उन 6 विधानसभाओं में जो उम्मीदवार इस बार कांग्रेस उतारने वाली है वो निहायत ही मजबूत कैंडिडेट जो है वो कहीं ना कहीं उतारेगी, ताकि एक भी सीट उनके खाते से जो है वो खाली ना जाए। तो इस बात का जरूर ध्यान रखा जाएगा और साफ तौर पर ये माना जा रहा है कि फरीदाबाद से 4 से 5 जो है वो विधानसभा सीटों पर जो है वो कांग्रेस और फरीदाबाद से जीत कर जो है वो कहीं ना कहीं हरियाणा के जो है हरियाणा में जो है वो सरकार बनाने का काम करें। जी ठीक है मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।